जय माता की। मां जगत जननी आदि शक्ति की असीम कृपा सन 1524 में ग्राम मुंगुस क्षेत्र तिंदवारी जिला बांदा को प्राप्त हुई। मां सिंह वाहिनी के उद्भव की कथा कुछ इस प्रकार है। सूर्यपुत्री मां यमुना की निर्मल जलधारा में दो लकड़ी की मूर्तियां बहती हुई यमुना के तट पर मछुआरों को प्राप्त हुई। मूर्तियों को किनारे रख दिया गया। प्रातःकाल अचानक केवटों ने देखा कि मूर्तियां पत्थर में परिवर्तित हो गई हैं। यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ और इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसी दौरान ग्राम मुंगुस के बच्चीलाल एवं राम दुलारे यादव कहीं बाहर से अपने गांव वापस आ रहे थे। नाव द्वारा जब दोनों इस पार आए तो उन्होंने मूर्तियों को देखा, मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने केवटों से एक मूर्ति के लिए विनम्र निवेदन किया। केवटों ने सहर्ष भाव से एक मूर्ति प्रदान कर दी। दोनों बंधुओं ने मूर्ति को लाकर ग्राम मुंगुस के पिन्हा थोक में एक स्थान पर विराजमान कर दी। सिंह में सवार होने के कारण मां सिंहवाहिनी के नाम से विख्यात हुई और दूसरी मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण बेंदा गांव में कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। सिंहवाहिनी मां पिन्हा थोक में लगभग 183 वर्ष तक विराजमान रही, लेकिन एक महिला ने अशुद्ध स्थिति में मां को छुआ तो मां ने गांव के मथुरा सिंह को स्वप्न दिया और कहा, मुझे इस स्थान से गांव के बाहर किसी एकांत स्थान में स्थापित करो। मथुरा सिंह ने सभी संभ्रांत लोगों को मां के स्वप्न की बात बतलाई तो गांव के लंबरदार राम सनेही सहाया बाबा के विशेष सहयोग से गांव की पश्चिम दिशा में एक स्थान पर मां को स्थापित कर दिया गया। दोनों भाइयों को मां ने स्वप्न देकर कहा, मेरे लिए मंदिर नहीं बल्कि मढ़िया बनाई जाए। दोनों भाइयों ने सन 1707 में मां की मढ़िया बनवाई। कुछ समय उपरांत वर्षा के समय मढ़िया गिर गई। इसके बाद गांव के भक्तजन लगातार कच्ची मढ़िया का निर्माण करते रहे। मढ़िया गिरती रही और बनती रही। सन 1955 में गांव के महिपाल सिंह, रामोतार उर्दहा, लल्लू राम अवस्थी एवं समस्त ग्रामवासी सहाया बाबा के पुत्र महावीर सिंह ने समस्त भक्तजनों से धन एकत्र कर मढ़िया का निर्माण कराया। कुछ समय बाद मढ़िया की दीवार फटने लगी और टूट गई। सन 1974 में वर्तमान प्रधान महावीर सिंह ने ग्रामवासी भक्तजनों से पुनः धन एकत्र किया और मढ़िया का नवनिर्माण करवाना प्रारंभ किया। निर्माण के दौरान एक दिन करुहिया कारीगर मंदिर निर्माण के लिए मां के स्थान में अपने समय से पहुंच गया, लेकिन मजदूर समय से नहीं पहुंचे। उस समय मां ने एक बालिका का रूप धारण कर कारीगर से कहा, हे कारीगर, क्यों बैठे हो? कारीगर ने मजदूरों के ना आने की बात बताई। तत्पश्चात मां सिंहवाहिनी स्वयं कारीगर को बालिका रूप में ईंट और गारा देने लगी। कुछ समय बाद मजदूर भी आ गए तो कारीगर करुहिया के देखते ही देखते बालिका अंतर ध्यान हो गई। मढ़िया का निर्माण कार्य पूरा
होने के बाद गांव के कवि हृदय दुर्गा भाट ने मढ़िया स्थल में मेला लगवाने की शुरुआत की। सभी संभ्रांत भक्तजनों की सलाह से श्री राव भाट एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पचिनिया भाट को पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। तब से आज तक प्रत्येक चैत्र एवं कुवार मास की नवरात्रि में मां के स्थान पर मेला लगता है। भक्तजन 9 दिन उपवास रखकर नवमी के दिन आसपास के क्षेत्र से जवारे और सांगे लेकर आते हैं और श्रद्धा भक्ति आस्था प्रकट करते हैं। लंबी लंबी सांगे छेद लंबी लंबी सांगे छेद लगावे सिंह दहार हो माई लगावे सिंह दहार हो हाथ मजोति लय है पन्ना हाथ मजोति लय है पन्ना मैया शीस सवार हो माई मैया माँ सिंहवाहिनी के चमत्कारों की महिमा निराली है। माँ के अनेकों चमत्कारों में से एक चमत्कार और है। एक बार माँ के स्थान में यज्ञ भंडारा हुआ जिसमें 25 क्विंटल की पूड़ियां मात्र 2.5 घंटे में तैयार हो जाना यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। यदि किसी की आंखों में नेत्र दोष हो तो माता का चरणोदक डालने मात्र से नेत्र दोष दूर हो जाते हैं एवं अनेकों शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता रानी अपनी कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सभी भक्तजन मुंडन संस्कार विवाह उत्सव बधाई संस्कार एवं अन्य शुभ कार्यों में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। कुछ अति उत्साही भक्तों ने बलि चढ़ाने की परंपरा डालनी चाहिए परंतु मां ने अपने भक्त सर्वेश सिंह चुनका को सपने में आकर कहा, मैं किसी भी पशु पक्षी की बलि नहीं चाहती हूँ और ना ही बलि देने का प्रयास किया जाए, अन्यथा मैं कहीं अन्य स्थान पर चली जाऊंगी। इसके बाद मढ़िया समिति और भक्तों के विशेष विरोध से बलि की प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मां सिंहवाहिनी ने एक दिन पुनः अपने भक्त सर्वेश सिंह को स्वप्न दिया और कहा, मेरे यहाँ पवन पुत्र हनुमान की पूजा अवश्य करें तथा घंटा एवं लाल ध्वजा चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। माता के स्थान में प्रतिवर्ष मढ़िया समिति और ग्राम वासियों के विशेष सहयोग से यज्ञ हवन भंडारा रामलीला रासलीला एवं रामायण पाठ तथा अनेकों धार्मिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। मां की मढ़िया को भव्य रूप प्रदान करने हेतु समस्त भक्तजन प्रयासरत हैं। अतः समस्त श्रद्धालु जनों से इस पावन पुनीत निर्माण कार्य में तन मन धन से अधिक सहयोग की अपेक्षा है। अगर आप दान देना चाहते हैं तो मंदिर समिति को दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें।
मुंगुस धाम पहुंचने के लिए सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि बांदा से फतेहपुर मार्ग बस मार्ग से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर मुंगुस धाम स्थित है। बांदा से वाया तिंदवारी कानपुर बस मार्ग से भी आप मात्र 20 किलोमीटर की दूरी तय कर आप मुंगुस धाम पहुंच सकते हैं। जय मां सिंहवाहिनी, जय मुंगुस धाम की, बोलो सच्चे दरबार की जय।